हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम लोग आए हैं मार्केट में छोटी मोटी अपने घर की शॉपिंग करने। अब ये काम है, काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, निकलती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो वही इस बहाने से टहलना भी हो जाएगा, क्योंकि दिन में है ना इतनी गर्मी होती है, शाम को ही निकला जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई होता है। बाहर निकलना और बच्चों के साथ निकलना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस बहाने से सुबह शाम बच्चे भी निकल जाते हैं, तो घूमने आ गए थे। और घूमने के साथ साथ अपनी छोटी मोटी शॉपिंग करने भी। और यहीं पर मैं एक नाइफ दिखाई थी, इसमें कवर वाला, ये मैंने है ना एक दो बार देखा है किसी के पास, तो मेरा भी मन था आज मुझे ये है ना नाइफ दिखाई दिया, तो मैं इसको लेकर आई। ये मुझे लेना ही था, क्योंकि जब भी मैं देखती थी तो मेरा बड़ा मन करता था, और मुझे कहीं भी है ना ये सामने दिखाई नहीं दिया। और आज हम अर्जेंटली ही जा रहे थे अपने गांव, बहुत ही मुश्किल से निकलना हुआ है, और एक दो दिन के लिए ही जा रहे थे, नहीं तो जून की छुट्टी हम गांव में ही मनाते हैं। आपकी बार कुछ प्रॉब्लम है, और वो क्या है वो आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। तो अभी तो जो काम करना है उसके लिए जा रहे हैं, बस आज है, आज जाना है और कल आना है। और एक दो दिन है ना छुट्टियों में मन भी नहीं करता घूमने फिरने का, हाँ कि कहीं जाओ कई दिन के लिए, पर क्या है मजबूरी भी कोई चीज़ होती है, इसलिए बस आज एक दिन के लिए ही निकलना हुआ है, उसके बाद आएंगे। और देखिए यहाँ पर है ना गर्मी की वजह से है ना, देखिए पौधे भी है ना मुरझा रहे हैं, क्योंकि गर्मी क्या बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा भयानक वाली गर्मी है, जो बर्दाश्त के बाहर होते हैं ना वो वाली गर्मी, क्या करें अब, जो जैसा भी समय पड़ता है झेलना तो पड़ता ही है। और देखिए फिर घर पर है ना मार्केट में गई थी, क्योंकि मेरा है ना क्या हुआ, मेरी पायल है ना मैंने नहीं पहनी थी, अभी एनिवर्सरी के दिन ही पहनी थी, और वो टूट गई है, बिल्कुल न्यू थी, तब मैंने निकाल दी थी, एक दिन के लिए डाली थी, तो उसको है ना सही कराने के लिए जहाँ से ख़रीदी थी वहीं पर जा रही हूँ लेने के लिए। अपने गांव के पास में ही हमारा कस्बा पड़ता है, तो वहाँ से लेके आई थी, ज़्यादातर चांदी वांदी की चीज़ें है ना मैं वहीं से लेके आती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए फिर मुझे है ना शाम को गांव में भी जाना था, मैं अपनी देवरानी को लेकर आई थी, तो हम लोग बैठे हुए हैं, अब दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं, बस खाना खा के निकलेंगे। और देखिए ये मैंने अपनी एनिवर्सरी के दिन मेहंदी लगाई थी, अभी तक तो लगी हुई है, बस 8 दिन तक ही ज़्यादातर मेहंदी होती है, नहीं तो फिर उसका कलर उतरने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे, अथर्व फ़ोन देख रहा है, और बस खाना खाने के बाद दोपहर का टाइम है, 12:30 बजे का पक्का टाइम मुझे याद नहीं है, तो फिर हम लोग निकलेंगे, क्योंकि शाम को फिर जल्दी निकल जाते हैं ना, पहुंच जाते हैं, तो अपना बाकी का घर की साफ़ सफाई भी, अब एक दिन घर बंद रहता है ना तो ऐसा हो जाता है, उसकी साफ़ सफाई भी हो है, तो बस 5:30 तक ऐसा करेंगे जो हम वहाँ पहुंच जाएं, और ना ही फिर ट्रैफिक मिले, क्योंकि शाम को है ना फिर 5-6 बजे के बाद ट्रैफिक भी काफ़ी मिल जाता है। और ये पहने हुए मैंने कोट सेट जो मैंने अभी ऑनलाइन मंगाया था, शायद वीडियो में दिखाया भी था, इसकी मैंने है ना शॉर्ट वीडियो भी बनाकर डाली थी, अच्छा है, कलर भी अच्छा है, वैसे भी अच्छा है, लेकिन गर्मी में है ना कितना भी पतले से पतला कपड़ा पहन लो पहनना मुश्किल हो जाता है, तो कोई नहीं, पहनना तो था ही, गर्मी के लिए मंगाया है तो गर्मी में ही पहना जाएगा, अब एक दो दिन बाद है ना धुलने के बाद थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो अब जो कपड़े बच्चे नहा कर है ना गीले कपड़े थे उनको फोल्ड कर रही हूँ। अब मेरा क्या होता है, जब भी मैं ना आती हूँ मैं एक दो कपड़ा अपना छोड़ के जाती हूँ, भूल जाती हूँ, कितना भी समेट लो, अभी बाहर है ना घूम के आई, कपड़े देख के आई, बच्चों के कपड़े है ना कोई से सूखे हुए तो नहीं है, जो गीले हैं उसको मैं अलग पॉलीथीन में बांध लेती हूँ, फिर जाकर है ना सुखा लूँगी। और फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए मेरठ रुके थे, तो यहाँ पर इडली सांभर स्पेशल
बन रहा है तो कर रहे हैं बच्चे एंजॉय। और यहाँ पर मैं देखिए ये ओपन कर रही थी, ये गिफ्ट है जो मेरी देवरानी मेरे लिए लेकर आई थी। अब इसे एनिवर्सरी का गिफ्ट समझ लीजिए, चाहे कैसे ही वो उसको अच्छा लगा। वो है ना हसनापुर गई थी तो वहाँ पर उसने ये देखा, उसे अच्छा लगा तो वो मेरे लिए लेकर आई थी। और मुझे भी ये काफ़ी पसंद आया, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इसमें हैंडल है और ड्राई फ्रूट रखने का होता है, ये अच्छा लग रहा था। कलर भी वैसे भी पसंद आया मुझे, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को लास्ट तक एंजॉय कीजिए। तो देखिए अच्छा लग रहा है ना, और ये है ना किचन के लिए नीड भी होती है। और यहाँ पर फिर शाम को हम लोग मार्केट गए थे, सामान लेकर आई थी बेकरी की शॉप से, जो थोड़ा बहुत याद आया और जो ज़रूरी था तो वो मैं लेके आई थी। बच्चों के है ना बिस्किट वगैरह ख़त्म हो रहे थे, और बच्चे घर पर रहते हैं तो बस कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, तो ये सामान मैं लेके आई थी। बिस्किट थे, आराध्या अलग खाती है और अथर्व के तो ओरियो है ही, वो तो ओरियो खाते हैं। और मखाने लेके आई थी, मखाने भी मेरे ख़त्म हो गए हैं। और टोस्ट है ये, थोड़े से नमक पारे, बस यही अपना छोटा मोटा सामान घर का मैं लेकर आई थी। अब इनको आराम से बैठकर लगाऊंगी जहां पर चीज़ रखनी है। बिस्किट तो मैं ऐसा सामने रखती हूं जो बच्चे हैं ना अपना उठाएं और खा लें साथ के साथ। चने लेकर आई थी, अब थोड़ा बहुत है ना चने दे देते हैं, बच्चों के लिए भी हेल्दी होता है। तो इतना ही था ब्लॉग में, फिर मिलेंगे, बाय।